हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे हेल्दी मिक्स वेजिटेबल सूप। इसमें भरपूर वेजिटेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फिर चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो भेज सूप बनाने के लिए हमें बहुत सारा वेजिटेबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैप्सिकम लिया है, थोड़ा सा गाजर लिया है, मशरूम लिया है, स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा कटा हुआ बीन्स लिया है। उसके साथ हमने थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और कटा हुआ प्याज लिया है। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल गर्म होते ही हम इसमें कटा हुआ अदरक और कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन फ्राई होने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कटा हुआ गाजर, कटा हुआ कैप्सिकम, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा कटा हुआ बीन्स और थोड़ा सा कटा हुआ मशरूम। अब सारे वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। एक बार इसको फिर से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। एक बार इसको मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया है। वेजिटेबल बॉईल होने के बाद हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका एक मिक्सर तैयार करेंगे। अब हम सूप में कॉर्नफ्लोर को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारा सूप थोड़ा सा गाढ़ा आएगा, रेस्टोरेंट जैसा। अब इसमें हम 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब डालेंगे और 1 छोटा चम्मच डालेंगे विनेगर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा वेजिटेबल सूप बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।